उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। हरियाणा का सियासी शोर खत्म होते ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के महाभारत में सियासी शंख फूंक दिया है और महाराष्ट्र की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज को हथियार बनाकर पीएम मोदी और बीजेपी पर करारा प्रहार भी कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए कैसे आज शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस विशालकाय मूर्ति का राहुल गांधी ने धूमधाम से अनावरण किया। ये तस्वीरें शिवाजी महाराज की गौरव गाथा तो बयां कर ही रही हैं, साथ ही कांग्रेस की ओर से एक बड़ा सियासी संदेश भी दे रही हैं। वहीं इस मूर्ति के अनावरण के बाद राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति के बहाने पीएम मोदी और बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखा है और 40 दिन पहले सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में गिरे शिवाजी की मूर्ति की याद दिलाकर उनके जख्मों को कुरेदा है। पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है और इसके अंदर संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 महीने पहले ही सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया था, लेकिन 26 अगस्त को ये मूर्ति गिर गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ गया। विपक्ष ने शिवाजी का अपमान और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने माफी भी मांगी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। करीब एक महीने पहले मोदी ने माफी तो मांग ली थी, तब लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन आज शनिवार को जब राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की न केवल मूर्ति का अनावरण किया बल्कि अपने पुराने हथियार संविधान के साथ शिवाजी को जोड़कर एक के बाद एक जोरदार प्रहार भी किए। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है और इसके अंदर संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा। राहुल गांधी के हमलों ने ये तो साफ संदेश दे दिया है कि महाराष्ट्र के चुनावी समर में शिवाजी महाराज को लेकर मूर्ति पॉलिटिक्स जोरों पर रहने वाली है और हरियाणा के वोटिंग के दिन महाराष्ट्र से हुंकार भरकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के महाभारत में बढ़त बना ली है। बहरहाल आपको क्या लगता है, शिवाजी महाराज की मूर्ति के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को संदेश दे दिया है, महाराष्ट्र के चुनाव पर उसका कितना असर पड़ने वाला है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।